अज असी नवा चैप्टर शुरू करांगे, चैप्टर फोर्थ। चैप्टर फोर्थ का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण यह चैप्टर शुरू करना, चैप्टर फोर्थ है। पहला असी एक्सरसाइज 4.1 शुरू करांगे। तो पहला उदा सवाल है, प्रश्न है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। दो चरों वाला रैखिक समीकरण, जदों असी दो चरों वाला रैखिक समीकरण की गल करिए तो वह इस तरीके का होंदा है, ए एक्स जमा बी वाई जमा सी बराबर जीरो। है दो चर है, एक एक्स है तो एक वाई है, तो यह रैखिक समीकरण है। दो चरों वाला रैखिक समीकरण इस तरीके होंदा है। शुरू किस तरह करने का हल, पहला मैं लिख लिता माना नोटबुक की कीमत बराबर एक्स, माना नोट एक नोटबुक की कीमत बराबर एक्स, माना एक कलम की कीमत बराबर वाई, माना एक नोटबुक की कीमत एक्स, माना एक कलम की कीमत बराबर वाई। अगे असं लिखांगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार की रकम दे विच क्या है, एक नोटबुक की कीमत दुगनी है जिनी एक कलम की कीमत है। एक नोटबुक की कीमत दुगनी है जिनी एक कलम की कीमत है। एक नोटबुक की कीमत किन्नी हैगी साढ़े कोल एक्स बराबर दो दा दो रहेगा, तो एक कलम की कीमत किन्नी हैगी साढ़े कोल वाई, ये आ जाएगा दो वाई। दो वाई नूं इधर लैके आवांगे माइनस दा हो जाएगा, इहदा मतलब एक्स माइनस दो वाई किहदे बराबर आ जाएगा जीरो दे। एक्स माइनस दो वाई बराबर जीरो, यह मेरा एक रैखिक समीकरण आ गया। ठीक है, तो यही आंसर है। नोटबुक की कीमत नूं असी एक्स मन्निया होया, दो ने तो दो ही रहना क्योंकि दुगना किया सी, तो एक कलम की कीमत नूं असी वाई मन्निया है, दो नूं वाई नाल गुणा करांगे दो वाई, तो दो वाई नूं इधर लैके आवांगे प्लस है, खब्बे पासे लैके आवांगे माइनस दा हो जाएगा, तो बराबर किन्ना आएगा जीरो। ठीक है, यह मेरा पहला सवाल है प्रश्नावली 4.1 का। अगला है प्रश्न नंबर दो, निम्नलिखित को रैखिक समीकरण ए एक्स जमा बी वाई जमा सी बराबर जीरो के रूप में व्यक्त करें। प्रत्येक स्थिति में ए बी सी का मान भी पता करें। यह मेरे को पार्ट है, ठीक है, 8 पार्ट है। 2x जमा 3y बराबर 9.35 के उपर बार है। दूजा भाग है x माइनस वाई बटा 5 माइनस 10 बराबर जीरो। ऐसे ही है बाकी भी भाग दिते हुए है। यह सारे असी इस रैखिक समीकरण की फॉर्म के बीच इस तरीके नाल लिखना है। सारिया जिहड़ियां दित्ती हुई हैं साढ़े कोल समीकरण, इन्हां नूं असी इस रैखिक समीकरण की शेप विच इस फॉर्म के लिखना है, तो फिर असी ए बी सी का मान भी पता करना है। हुण देखो जो यह सवाल असी करना है, ठीक है, यह सवाल करने वास्ते सब तो पहला तो असी करांगे की, ठीक है, इनू असी ए एक्स जमा बी वाई जमा सी के रूप में लिखना है। पहले सवाल असी करन लगे शुरू, पहले 2x जमा 3y बराबर 9.35 बार जिहड़ा यह वाला समीकरण है, इनू असी रैखिक समीकरण किस तरह ए एक्स जमा बी वाई जमा सी बराबर जीरो इस रूप के व्यक्त करना है। हुण देखो सब तो पहला तो यह जी रैखिक समीकरण लिखी है, तो बराबर है जीरो, पर ये बराबर तो कि लिखा है 9.35 बार। पहले इस रकम को खब्बे पासे लैके आओ, बराबर जीरो बनाओ, यह प्लस है, इनू इधर लैके आवेंगे माइनस तो हो जाएगा माइनस 9.35 बार, बराबर कि आएगा जीरो। जो असी इस रकम को मिला के देखिए तो यह मतलब रैखिक समीकरण के असी व्यक्त कर दिता, मतलब इनू असी इस रूप में व्यक्त कर दिता है। हूँ असी ए बी सी का मान भी पता करना है। ए बी सी का मान किस तरह पता करना है, वो वास्ते असी देखांगे जी एक्स के नाल रकम होंगी उन्होंने ए कहना है, एक्स के नाल दो है, यदा मतलब ए दो हो गया। जी वाई के नाल रकम होएगी वो बी होएगा, वाई के नाल मेरे को तीन है, यदा मतलब बी बराबर मेरे को तीन हो गया। जिदे कोई एक्स वाई नहीं लग्या हो, ना एक्स ना वाई, उन्होंने सी कहना है, तो सी कि हो गया मेरे को माइनस 9.35 बार, सी बराबर 9.35 बार। दूजा भाग है मेरे को एक्स माइनस वाई बटा 5 माइनस 10 बराबर जीरो, इनू भी असी ए एक्स जमा बी वाई जमा सी के रूप में व्यक्त करना है। सारे जिन्हें भी भाग है
ठीक है, यह तो पहले ही सज्जे पासे दे बराबर जीरो हो गए, ये कोई रकम इधर लैन की जरूरत नहीं हैगी जिस तरह उपले भाग करना पिया। सिर्फ इन थोड़ा मैं लिखन का ढंग थोड़ा कर गया वा, एक्स है एक्स नाल कोई रकम ना हो मतलब एक हों, ठीक है, अपने समझने वास्ते लिख सकते हो, नहीं भी लिखना हो भी ठीक है, एक्स के नाल कोई रकम नहीं है मैंने एक है, एक्स में असी एक गुना एक्स वाह सकते हैं, वाई बटा पांच नूं असी वाई नूं तां वाई रहन दिता, जिहड़ा बटे च पांच गा उहनूं मैं अलग करके लिख लिता एक बटा पांच, दस दा दस रहन दिता, वाई बटा पांच नूं असी एक बटा पांच गुना वाई भी लिख सकते हैं। हुण इह रकम नूं इहदे नाल मिला के देखो, जिहड़ी एक्स के नाल रकम हैगी है वह मेरा ए होएगा, जिहड़ी वाई दे नाल रकम है माइनस एक बटा पांच वह मेरा बी होएगा, जिहदे नाल कोई एक्स वाई नहीं हैगा वह मेरा किन्ना होएगा सी, सी किन्ना आ गया माइनस दस। अगे तीजा भाग है माइनस दो एक्स जमा तीन वाई बराबर छे, इस फिर बराबर तो उधर रकम हैगी है, सब तो पहला तो असं इन इधर लैके आवेंगे क्योंकि मेरे को बराबर जीरो होना चाहिए हवा, ठीक है, छे नूं इधर लैके आवेंगे माइनस का छे हो जाएगा, फिर जी एक्स के नाल रकम हैगी उन्हूं ए कहना है, जी वाई के नाल रकम हैगी उन्हूं बी कहना है, जिहदे नाल कोई एक्स वाई नहीं लगे उन्हूं की कहेंगे असी सी, सी कि आएगा मेरा माइनस छे। अगे है मेरे को चौथा भाग है एक एक्स बराबर तीन वाई, ठीक है, एक्स बराबर कि है मेरे को तीन वाई, सब तो पहला फिर सज्जे पासे जीरो होना चाहिए, प्लस का तीन वाई है इधर लैके आवेंगे खब्बे पासे लैफ्ट साइड से, माइनस का तीन वाई हो जाएगा साइन बदल जाएगा, बराबर कितना बचेगा जीरो, एक्स नूं असी एक गुणा एक्स वा सकते हैं, वाई तो ठीक है तीन वाई है बराबर जीरो, फिर इनू इस रैखिक समीकरण असी कि मिला के देखना पहला ए एक्स जमा बी वाई जमा सी बराबर जीरो दे नाल, जिहड़ी एक्स के नाल रकम हैगी ए है ए एक हो गया, जिहड़ी वाई के नाल रकम हैगी बी है वाई बी मेरा माइनस तीन हो गया, जिहदे नाल कोई एक्स वाई नहीं है वह सी है, ये है ही नहीं कोई रकम इस तरह की, जिहदे नाल कोई एक्स या वाई नहीं है ये नाल दी कोई रकम नहीं है, यदा मतलब सी किन्ना होएगा मेरे को जीरो, ठीक है सी किन्ना होएगा जीरो। अगला मेरे को दो एक्स बराबर माइनस पांच वाई, माइनस पांच वाई इधर लियाना है प्लस दो हो जाएगा पांच वाई बराबर जीरो, फिर ये जी एक्स के नाल रकम हैगी ए है, जिहड़ी वाई दे नाल रकम हैगी वह बी है, जिहदे नाल कोई एक्स वाई नहीं हैगा उहनूं सी कहना है, इहदे च भी कोई रकम नहीं हैगी इसलिए वह मेरा किन्ना हो जाएगा, ठीक है सी किन्ना हो जाएगा जीरो, सी बराबर किन्ना आ जाएगा जीरो। इस तो बाद मेरे को छेवां भाग है तीन एक्स जमा दो बराबर जीरो, तीन एक्स जमा दो बराबर जीरो, ये एक्स वाली रकम तो है पर वाई वाली रकम नहीं हैगी, जे कोई रकम हो ही ना वाई हैगा ही नहीं है उहनूं असीं जीरो गुणा वाई वा सकते हैं क्योंकि जीरो गुणा वाई जीरो ही हुंदा है, दो दा दो। हूँ जो असं इन मिला के देखिए कि मिला के देखना सी, फिर वह ए एक्स जमा बी वाई जमा सी बराबर जीरो नाल, जी एक्स के नाल रकम हैगी ए है, जी वाई के नाल रकम है वह बी है, जिंद कोई एक्स वाई नहीं है उन्होंने की कहने असी सी, सी कि होएगा साढ़े को दो। हूँ अगली रकम है ये एक्स नहीं है वाई माइनस दो बराबर जीरो, वाई माइनस दो बराबर जीरो, ये एक्स है ही नहीं रकम च नहीं है, यदा मतलब एक्स में असी जीरो गुना एक्स वा सकते हैं जमा वाई नूं असी एक गुना वाई वा सकते हैं क्योंकि वाई हैगा सी नाल कुछ नहीं गा एक वा लिता माइनस दो, फिर जी एक्स के नाल रकम है वह ए है ए जीरो हो गया, जी वाई के नाल रकम वह बी है बी मेरा एक हो गया, जिन्ना कोई एक्स वाई नहीं गा उन्होंने सी कहना सी कि हो गया मेरे को माइनस दो। अगली रकम है पांच बराबर दो एक्स जमा का पांच है उन्होंने उधर लियो, ठीक है प्लस का पांच उधर जाके कि हो जाएगा मेरे को माइनस पांच बराबर कि आएगा जीरो, तो इनू हूँ एक्स वाली रकम तो है वाई वाली नहीं हैगी वाई में असं जीरो गुना वाई वा सकते हैं, एक्स के नाल जी रकम है वह ए हो गया, जी वाई के नाल रकम है वह बी जीरो हो गया, तो सी जिन्हें कोई एक्स वाई नहीं है वह कितना हो गया सी, ठीक है ये अठ के अठ भाग ताे कंप्लीट है। अगे है हूँ असी साढ़े को एक्सरसाइज है 4.2 चार दशमलव दो एक्सरसाइज है, ठीक है 4.1 के दो ही सवाल है तो सारे कंप्लीट कराते हैं। 4.2 का पहला सवाल है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों, तो मेरे को रकम नाल दिती हुई है वाई बराबर तीन एक्स जमा पांच। पहला विकल्प है कि जी यह समीकरण दिती हुई है यदा एक अद्वितीय हल होएगा, दूजा दिता है कि यदा केवल दो हल होंगे, तो तीजा भाग है असीमित रूप में अनेक हल हैं। देखो कोई भी रैखिक समीकरण जी दो चरों के हो दो चरों का मतलब एक्स से वाई के बीच हैगी है रैखिक समीकरण वो असीमित रूप में अनेक हल होंगे कोई भी रकम हो। देखो जी मैं अस रैखिक समीकरण लिखी सी ए एक्स जमा बी वाई जमा सी बराबर जीरो, यह जी 4.1 एक्सरसाइज लिखी है जी रैखिक समीकरण हैगी है जी इस तरह की होएगी दो चरों के असीमित रूप में अनेक हल हो। एक मैं होर लिख के दस दवा जिस तरह मैं लिखे 5x जमा 2y जमा 9 बराबर जीरो, जे तुहानू कोई पुछे ये किन्ने हल होणगे तुसीं कहना असीमित रूप में अनेक हल क्योंकि दो चरों के रैखिक समीकरण है, तो ये भी यह दो चरों के एक एक्स एक वाई के
तो असी लिखांगे कि इहदा हल की आएगा, यह वाला ऑप्शन आएगा तीजा की है, किस तरह आएगा। इस समीकरण के असीमित रूप में अनेक हल हैं, क्योंकि दो चर वाले समीकरण के असीमित रूप से अनेक हल होते हैं। यह आंसर आएगा असीमित रूप में अनेक हल। अगे प्रश्न नंबर दो है, बड़ा सौखा सवाल है। निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के चार हल ज्ञात कीजिए, चार हल लिखिए। यह एक रेखीय समीकरण है, ये नहीं कि चार हल ही होंगे, अनेक हल होंगे। मैं हमने दसिया असीमित रूप में अनेक हल, उन्हें असीमित रूप में अनेक हल के असी कोई चार हल दसने हैं, ठीक है। पहला भाग है दो एक्स जमा वाई बराबर सत्त, दूजा भाग है पाई एक्स जमा वाई बराबर नौ, तीजा भाग है एक्स बराबर चार वाई। हूँ मैं पहला सवाल पहला भाग लैके चलिया वा, दो एक्स जमा वाई बराबर सत्त, ये मैं चार हल निकालांगा क्योंकि रकम च चार क्या है। पर जे असी हल की गल करिए तो ये सीमित रूप में अनेक हल है, उन्होंने कोई चार हल निकालांगा, तो हरेक बच्चे के अलग अलग हल आ सकते हैं, ठीक है। लिखना किस तरह होगा, देखो दो एक्स जमा वाई बराबर सत्त है, यह जी रकम दिती हुई है, ये ताड़ी अपनी मर्जी है। तुम इतने एक्स का मान अपने वालों भर दो, चाहे वाई का, वो अपनी मर्जी है, जो मर्जी भरो। नाल देखो यदि एक्स बराबर जीरो, बच्चे यही कहें जीरो कितों आया, मैं कहता पे जीरो ना भरो, तुम इतने एक भर दो भर दो, तीन भर दो, जरा मर्जी वैल्यू भर दो, जरा मर्जी इतने एक्स का मान भर दो। ये भी नहीं कि एक्स का मान भरता तो वाई का भी भर सकते हो, ठीक है। पहले यह देखते हैं, यदि एक्स बराबर जीरो हो तो, यदि एक्स बराबर जीरो, इतने एक्स की जगह जीरो भर दो, की आ जाएगा दो गुना जीरो जमा वाई ने वाई रहना बराबर कि आएगा सत्त, दो गुना जीरो जमा वाई बराबर सत्त। किसी जीरो ना गुना करिए जीरो ही होंगे, वाई का वाई रहेगा बराबर सत्त, तो जीरो जमा वाई वाई रहेगा, वाई का आंसर कि आ गया सत्त। जो असी एक्स का मान जीरो भरया तो वाई का मान कि आ गया सत्त। हूँ इतने एक्स का एक होर मान भर दो, जरा मर्जी भरो, मैं हूँ एक्स का मान एक भर दिता ये हो तो, यदि एक्स बराबर एक हो तो, इतने आ जाएगा दो नाल एक्स के नाल कि आ जाएगा एक, दो गुना एक, दो गुना एक जमा वाई बराबर फिर सत्त, दोनों एक ना गुना करा दो, यह जमा दो उधर जाके माइनस करा दो सत्त, सत्त माइनस दो वाई का मान कि आ जाएगा पांच। मैं बार बार कहता पे इतने एक्स का मान है, जो मर्जी भर सकते हो, माइनस विच भी भर सकते हो, जीरो भी भर सकते हो, एक भी, दो भी, तीन भी, चार भी, जरा मर्जी मान भरो। फिलहाल मैं एक्स का एक जीरो भरया तो वाई का आंसर सत्त आया, फिर एक्स का मान एक भरया, फिर वाई का आंसर पांच आया। यह मेरे को दो हल निकल गए, हाले मैं चार हल निकालने हैं, ठीक है। अगे देखो यदि एक्स बराबर दो हो तो, हूँ एक्स का मान असी दो भरते हैं, साढ़े को आ जाएगा दो गुना दो जमा वाई बराबर सत्त, दो ना गुना करा चार आएगा जमा वाई बराबर सत्त, फिर यह चार उधर जाके माइनस करावे, प्लस का चार उधर जाके माइनस का चार होएगा, तो वाई का आंसर कि आ जाएगा तीन, वाई का मान तीन आएगा। हूँ फिर दोबारा एक्स का असी मान तीन भर दिता, हूँ हो तो यदि एक्स बराबर तीन हो तो, दो दे नाल सेम है, ठीक है, दो एक्स की जगह असी तीन भरेंगे जमा वाई बराबर सत्त, दोनों तीन गुना करा छे, छे फिर उधर जाके माइनस करावे, वाई का आंसर कि आएगा एक। ये जिन्हें भी असी मान निकाले है इनू असी टेबल के रूप में लिखा, किस तरह लिखा, दोबारा समझो। देखो सब तो पहला टेबल इस तरह बना देना है, उपर एक्स लिख देना नीचे वाई। जो मैं एक्स का मान जीरो भरया शुरू में, ठीक है, मैं दोबारा दस लग्या, जो मैं एक्स का मान जीरो भरया तो मेरा वाई का मान कि आया सत्त, जो एक्स जीरो भरया तो वाई के सामने कि आया सत्त। फिर दोबारा जो मैं एक्स का मान एक भरया तो वाई का आंसर कि आया पांच, एक्स का मान एक तो वाई का आंसर कि पांच। जो मैं एक्स का मान दो भरया तो वाई का मान कि आया तीन, जो एक्स का मान मैं तीन भरया तो वाई का मान कि आया एक, ठीक है। ऐसा यह तुम टेबल बना लेना, यह बनाया है वैसे, एक्स जीरो वाई सत्त, एक्स एक वाई पांच, एक्स दो वाई तीन, एक्स तीन वाई एक। इस समीकरण के चार हल है, हूँ चार हल बने के रहे है, हल इस तरह बनते हैं एक्स ते वाई नू मिला के, ब्रैकेट की लिखना है पहला एक्स जीरो फिर वाई सत्त, पहला हल आ गया जीरो कौमा सत्त कौमा, दूजा हल कि आया वन ते फाइव, एक ते पांच, एक कौमा पांच कौमा, दूजा हल तीजा हल की है दो ते तीन, दो कौमा तीन, ते चौथा हल की है तीन ते एक, तीन कौमा एक। मतलब जो हल होंगे ना हमेशा इस तरह लिखी है एक्स कौमा वाई, पहला एक्स फिर वाई, पहला एक्स ही लिखना होंगे फिर वाई लिखना होंगे। हूँ जिस तरह इतने एक्स मेरा जीरो होगा वाई सत्त है जीरो कौमा सत्त, फिर एक्स मेरा एक है तो वाई पाँच है एक कौमा पाँच, फिर एक्स मेरा दो है तो वाई तीन है दो कौमा तीन, फिर एक्स तीन है तो वाई एक है तीन कौमा एक। यह मेरे चार हल इस समीकरण के निकले। हूँ जो दूजा भाग है पाई एक्स जमा वाई बराबर नौ, ये भी सेम उस तरह ही है, तो ही अपनी मर्जी है, एक्स की एक्स का मान भरो चाहे वाई का मान,
किसी एक का मान भरना तो जो मर्जी भरना अपनी मर्जी ताकि। मैं जिस तरह लिखे यदि एक्स बराबर जीरो हो तो मैं थे एक्स की जगह जीरो भर देना पहला, मेरे को आ जाएगा पाई, एक्स की जगह नाल आ जाएगा जीरो, जमा वाई बराबर नौ, वो सेम रहना है। किसी भी जीरो नाल गुणा करिए तो जीरो ही होंगे हमेशा, वाई का वाई बराबर नौ, तो जीरो खत्म हो गया, वाई का आंसर कितना आ गया मेरे को नौ। यह कदों आया वाई का आंसर नौ, जो मैं एक्स का मान कितना भरया जीरो, फिर इतने मैं एक्स का मान भरांगा, ठीक है। तो मैं बार बार कहता पाया जो मर्जी मान भर सकते हैं। मैं लिखे यदि एक्स बराबर एक हो तो हूँ मैं एक्स का मान एक भर दिता है, मेरे को आ जाएगा पाई, ब्रैकेट च आ गया एक, जमा वाई बराबर नौ, पाई में एक ना गुना करांगे पाई आएगा, जमा वाई बराबर नौ, यह पाई उधर जाके माइनस करा देना, तो वाई कि बराबर आ जाएगा नौ माइनस पाई दे, ठीक है। वाई का आंसर कितना आ गया नौ माइनस पाई। अगे फिर दोबारा यदि एक्स बराबर दो हो तो ठीक है, हूँ एक्स की जगह दो भर देना, पाई गुना दो जमा वाई बराबर नौ, पाई नू दो ना गुना करांगे दो पाई, जमा वाई बराबर नौ, दो पाई उधर जाके माइनस होना, वाई का मान कितना आएगा नौ माइनस दो पाई। फिर असी एक्स का मान तीन भर देना हो तो पाई गुना तीन जमा वाई बराबर नौ, पाई नू तीन ना गुना करांगे तीन पाई, जमा वाई बराबर नौ, तीन पाई उधर जाके माइनस करा देना, वाई का मान कितना आएगा नौ माइनस तीन पाई। फिर असी क्या टेबल बना देना जो पिछले च भी दसिया, एक्स की मान की भरिया सी जीरो एक दो तीन, तो जो एक्स का असी जीरो मान भरिया सी, वाई का आंसर साडा नौ आया सी, जो असी एक्स का मान एक भरिया उपर, जो एक्स का मान असी एक भरिया सी, तो वाई का आंसर आया सी नौ माइनस पाई, वाई का आंसर आया सी नौ माइनस पाई। जो असी एक्स का मान दो भरिया है तो वाई का आंसर कितना है नौ माइनस दो पाई, जो एक्स का आंसर तीन भरिया है तो वाई का आंसर कितना है नौ माइनस तीन पाई। यदा मतलब है कि इस समीकरण के चार हल की आ गए, पहला आ गया जीरो कौमा नौ, अगला आ गया एक कौमा नौ माइनस पाई, अगला आ गया दो कौमा नौ माइनस दो पाई, अगला है तीन, तो नाल कितना आ गया नौ माइनस तीन पाई। यह मेरे को चार समीकरण के हल आ गए। ऐसे तीजा समीकरण है एक्स बराबर चार वाई, ये भी असी चार हल पता करने हैं। एक्स बराबर चार वाई, ये हूँ मैं पहला भी किया, जिहड़ा मर्जी तुसीं मान भरो, एक्स का भरो चाहे वाई का भरो, ठीक है, आंसर नूं कोई फर्क नहीं पैंदा। ये भी सज्जे पासे मेरे को वाई गया, मैं वाई का मान हूँ भरन गया अपने वालों। यदि वाई बराबर तुसीं जीरो भी भर सकते हो, एक भी दो भी जो मर्जी पैदा भरो, ठीक है। जिहड़े पहले दो भाग दे मैं जीरो तो शुरू किया, ये मैं एक तो शुरू करन गया, जीरो भी भर सकते हैं। मैं वाई का मान जो एक भरांगा इत्थे, तो चार नूं एक नाल गुणा करांगे चार आएगा। यदि वाई बराबर एक हो तो एक्स कितने बराबर आ जाएगा चार गुना एक, चार गुना एक चार आएगा। यदि वाई बराबर दो हो तो इतने वाई बराबर दो भर देना होगा, वाई का मान दो भर देना है, तो एक्स आ जाएगा चार नाल दो आएगा, चार गुना दो कितना आएगा अठ। हूँ असं इतने वाई का मान तीन भर देना है, यदि वाई बराबर तीन हो तो एक्स बराबर कितना आएगा चार गुना तीन बारह आ जाएगा। यदि वाई बराबर चार, इतने वाई दिएगा चार भर देना होगा हो तो एक्स बराबर कितना आएगा चार गुना चार, चार गुना चार, तो चार गुना चार कितना आएगा सोलह। यह मेरे को चार हल निकल आए। यदा टेबल किस तरह बनाना है, वाई एक है एक्स चार है, असी एक टेबल बना लेंगे, पहले एक्स ही लिखी फिर वाई लिखी है। एक्स का आंसर मेरा चार आया, कदों आया जो वाई एक है, एक्स के सामने चार वाई के सामने एक। फिर एक्स का आंसर अठ आया, कदों आया जो वाई दो है, एक्स के सामने अठ वाई के सामने दो। फिर एक्स के सामने बारह वाई के सामने तीन। फिर एक्स के सामने सोलह वाई के सामने चार। यह मेरे को चार हल निकल आए। पहला निकलिया चार कौमा एक, ठीक है। अगला कितना निकलिया अठ कौमा दो, अगला कितना निकलिया हल बारह कौमा तीन, तो अगला हल कितना निकलिया सोलह कौमा चार। यह इस समीकरण के चार हल निकल आए।